अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मारिया खान फ्रॉम amana.com। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ आज पार्कर सिटी इस्लामाबाद की साइट पर, और मैंने यहाँ पर आने का मेरा मकसद ये था, आई वांटेड टू कवर सम रीसेंट अपडेट्स, और आई वाज एबल टू फाइंड आउट दैट जे ब्लॉक में और ओवरसीज़ में जो है कुछ आजकल चल रहा है। जे ब्लॉक में जो है पोजीशन अनाउंस होने जा रहा है बहुत जल्द, और जे ब्लॉक के हवाले से आप लोग बहुत ईगर रहते हैं। मुझे पता है बहुत अरसा हो गया उसको लॉन्च हुए हुए, तो क्लाइंट्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की हुई है मोस्टली एंड यूजर्स हैं, वो उसके बारे में जानना चाहते हैं, पोजीशन कब होगा, हमारी पेमेंट्स कंप्लीटेड है एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसमें होने जा रहा है पोजीशन अनाउंस, उसके बाद ओवरसीज़ में सेकंड बैलेटिंग होने वाली है। तो आई डिसाइडेड टू कम हेयर। मेरे साथ इस वीडियो में जो है पार्क्यू के मैनेजमेंट से होंगी सीनियर सेल्स मैनेजर कहकशा। वी आर गोइंग टू कवर सम डिटेल्स रिगार्डिंग जे ब्लॉक, ओवरसीज टेरेस अपार्टमेंट्स, ओवरसीज कमर्शियल्स, और इस तरह की मजीद कुछ डिटेल्स के अभी इस टाइम पर फ्रेश बुकिंग्स कौन सी चल रही हैं, क्या चल रहा है, वो तमाम चीज़ें आप लोग इस वीडियो में जान सकेंगे। तो मेक श्योर करना है आप लोगों ने कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके व्यूअर्स, सो मेरे साथ मौजूद है मिस कहकशा नसीर, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन पार्क्यू सिटी राइट नाउ, पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहकशा, हाउ आर यू? अस्सलाम, आई एम फाइन, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन एज़ वेल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। एवरी टाइम आई वांट टू क्रिएट कंटेंट, शी इज़ ऑलवेज देयर के ओके यू वांट टू मेक गुड कंटेंट, यू वांट टू नो आई विल बी देयर, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपसे पूछने वाली हूँ सबसे पहले, तो जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं हम पहले उसको कवर करते हैं। जे ब्लॉक के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं कमेंट्स में, और कुछ भी नहीं अगर किसी को पार्क्यू के बारे में मिलता है वो जे ब्लॉक मेंशन कर देते हैं। जे ब्लॉक और ओवरसीज़ की जो है अभी रीसेंट जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, उनकी बेल्टिंग होने वाली है, तो आई वुड लाइक कि आप व्यूअर्स को बताइए कि करंट अपडेट्स क्या है, स्पेशली जे ब्लॉक की और ओवरसीज़ की। मारिया, जे ब्लॉक के बारे में मैं आपको बता दूं, आपने डेवलपमेंट देख ली है कि वहाँ पर डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, और जे ब्लॉक के लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो इतना अरसे से वेट कर रहे थे, और उनका बनता भी था क्वेश्चन करना, पूछना है कि हमारा क्या स्टेटस है, हमें पोजीशन कब मिल रहेगा। तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मार्च में इंशाल्लाह उनको पोजीशन मिल रहा है, और हम अच्छी ऑफर्स भी उनको कुछ देंगे पोजीशन से रिलेटेड, वो भी हम उनको इन्फॉर्म करेंगे थ्रू कॉल, थ्रू लेटर्स, कि अगर वो अपना फॉरन से घर शुरू करते तो हम उनको क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर दे सकते हैं। तो जो भी हमारे देखने वाले हैं जो कि जे ब्लॉक में जिनका प्लॉट है, उनको मैं ये कहूँगी कि आप तैयार रहें, अपने फंड्स वगैरह को अरेंज रखें, अगर आप घर शुरू करना चाहते हैं तो बस आप इंशाल्लाह मार्च में अपना घर शुरू करने जा रहे हैं। दैट्स एक्चुअली ग्रेट न्यूज़। उसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि जे ब्लॉक में इस टाइम पर आपके पास अगर कोई अभी फॉर एग्जांपल कुछ बाइंग करना चाहता है और कंफर्म प्लॉट उसको चाहिए, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और क्या ये हो रहा है, पार्क्यू प्रोवाइड कर रहा है इस टाइम पर? बिल्कुल मारिया, जब हमने जे ब्लॉक का मैप फाइनल किया और जो चीज़ें की है, तो उसमें हमारे पास कुछ प्लॉट्स अवेलेबल आ रहे हैं, 5 मरला के और 10 मरला के प्लॉट्स हमारे पास हैं, जो कि 1 ईयर और 6 मंथ के इंस्टॉलमेंट प्लान पर अवेलेबल होंगे, बुकिंग विद 25% डाउन पेमेंट। वो प्लॉट जो है विद प्लॉट नंबर्स हम देंगे, वो उन लोगों के लिए जो कि जल्दी पोजीशन लेना चाहते हैं, जल्दी घर बनाना शुरू करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वो प्राइस में एफ ब्लॉक से कंपैरेटिवली थोड़े से कम होंगे। लाइक उसमें आप अगर 1 ईयर के प्लान पे जाते हो 5 मरला का प्लॉट, तो वो आपको 9 मिलियन में मिलेगा, अगर आप वो 6 मंथ में लोगे तो 8 मिलियन में मिलेगा। दैट मीन्स कि काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज के ऊपर, इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अगर आप देखो अभी पार्क्यू सिटी को ऑब्जर्व करोगे तो जो पोजीशन वाले प्लॉट्स हैं ना राइट नाउ, वो आपको 1 डे कैश के ऊपर 8 से 9 मिलियन की रेंज में मिलते हैं। वही चीज़ हम आपको 1 ईयर के या 6 मंथ के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ऑफर कर रहे हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन मेरे ख्याल में, जो लोग जल्दी शुरू करना चाहते हैं, जो लोग खुद पिक एंड चूज़ के साथ जाना चाहते हैं कि मैं मैप के ऊपर अपनी मर्जी से अपना प्लॉट सेलेक्ट कर सकूं, तो उनके लिए काफ़ी एक अच्छी ऑप्शन है कि न्यू इन्वेंट्री में अपने वो प्लॉट्स को बुक करवा सकते हैं। यानी कि इफ़ आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म, जो आप कह रही हैं वो ये है कन्फर्म प्लॉट्स होंगे, और लेकिन आपको वो कन्फर्म प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट्स पर दिए जा रहे हैं जे ब्लॉक में, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। ओवरसीज़ का आपने मुझसे पूछा था, ओवरसीज़ का मैं आपको बताते चलूँ कि ओवरसीज़ की सेकंड बैलेटिंग का लोगों ने काफ़ी वेट किया, उसमें थोड़ा सा डिले आ गया था। सेकंड बैलेटिंग भी हम इंशाल्लाह मार्च में ही करने जा रहे हैं, डेट इंशाल्लाह अगेन वही चीज़ है कि हम आपको थ्रू लेटर्स और थ्रू कॉल्स आपको सबको इन्फॉर्म कर देंगे, उन सब लोगों को जो कि सेकेंड बैलेटिंग के क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं। और ओवरसीज़ में भी हमने न्यू कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री जो है वो अवेलेबल की है, उसमें अगर ये कि अगर आपके पास ओवरसीज़ में प्लॉट नहीं है ऑलरेडी, तो वहाँ पर आप अपना ओवरसीज़ में 2 ईयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अपना न्यू प्लॉट बुक करवा सकते हैं, और बैलेटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं आज ही अपना प्लॉट बुक करवाती हूँ 5 मरला का या 10 मरला का, ठीक है, तो
अपना 50% का जो मिनिमम क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हुए आई कैन पार्टिसिपेट इन बैलेटिंग, मतलब मैं अभी प्लॉट लेके उसको प्लॉट नंबर भी ले सकती हूँ. right. उसमें ये है कि अगर मैं 100% पेमेंट क्लियर कर देती हूँ तो आपको पता है ओवरसीज में हम 100% क्लियरेंस के ऊपर पोजीशन भी देने जा रहे हैं, तो दैट पर्सन कैन गेट पोजीशन एज वेल. वहाँ पर हमारी 5 मरला की जो प्राइस है दैट इज 8.5 मिलियन हमारी 5 मरला की प्राइस है 2 ईयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान पे. एंड अगेन इट्स टोटली अप टू यू, यू वॉन्ट टू टेक नंबर, आप 50% पे करो गेट योर प्लॉट नंबर. यू वॉन्ट टू टेक पोजिशन, आप 100% क्लियर करो यू गेट योर पोजिशन. बट इफ यू डोंट वॉन्ट राइट नो तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, आप उसको 2 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर चलाते रहें. दैट्स अमेजिंग. एंड एक चीज़ जो आपने इसमें मैंशन की है, मैं चाहूँगी व्यूअर्स आप लोगों को क्लियर हो जाए, अगर आप बैलेटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कितनी पेमेंट्स इनकी कम्प्लीट होनी चाहिए? बैलेटिंग में हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 50% आपकी प्लॉट की प्राइस क्लियर होनी चाहिए और आपकी कोई ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट नहीं होनी चाहिए. दैट वॉज द बैलेटिंग क्राइटेरिया फॉर ओवरसीज ब्लॉक सेकेंड बैलेटिंग का. और अगर कोई फ्रेश बुकिंग अभी करवाता है तो उसके लिए ये कि अगर वो 50% पेमेंट क्लियर करता है तो दैट पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन बैलेटिंग एंड गेट प्लॉट नंबर. राइट, फ्रेश बुकिंग इन ओवरसीज, राइट? या ओके. फॉर जे ब्लॉक उसमें जो है अभी बैलेटिंग होने जा रही है तो वो जे ब्लॉक में किस तरह से एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जे ब्लॉक की बैलेटिंग नहीं होने जा रही. जे ब्लॉक पे हम पोजीशन देने जा रहे हैं, पोजीशन देने जा रहे हैं. हाँ, उसकी बैलेटिंग, उसके प्लॉट नंबर्स ऑलरेडी एवरीथिंग इज डन. Right. अब हम उसको पोजेशन लेने जा रहे हैं. बैलेटिंग जो है वो हम ओवरसीज ब्लॉक की कर रहे हैं. सही हो गया, ठीक है, ओवरसीज की सेकंड बैलेट जो कर रहे हैं. राइट व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी क्लैरिटी मिल सके. ऑफ कोर्स आई वुड नो अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन मुझे ये मालूम है कि बहुत सारे लोग जो वीडियोज़ देखते हैं मेरी उनको बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको नहीं समझ में आ पाती हैं, उनको नहीं पता चलता. तो दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि असल में चल क्या रहा है. तो आई होप कि जो मैं जे ब्लॉक और ओवरसीज़ के हवाले से पार्क्यू सिटी की चीज़ें कवर करना चाह रही थी वो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी फ्रॉम द मैनेजमेंट देमसेल्फ. तो उसके अलावा फर्दर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं, अगर आप लोग बुकिंग करवाना चाहते हैं, नंबर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं. यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, कॉमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टेंट मोर यू वॉन्ट टू सी. अमानत.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है.